आज फिरोजाबाद में स्थित थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत श्रीराम कॉलोनी निवासी महिलाओं पुरुषों ने पानी बिजली की समस्या को लेकर साथ में लाए डब्बा बाल्टी के साथ रोड पर प्रदर्शन किया एवं नगर निगम महापौर राठौर मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। महिलाओं व पुरुषों के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि हमारे गली मोहल्ले में 5-7 दिन से पानी नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ बिजली की भी समस्या है, जिसके चलते अब लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। नगर निगम की ये घोर लापरवाही है। नगर निगम के द्वारा जो डाली गई पाइपलाइन वो बेहद ही लो क्वालिटी की है, जो 2-4 दिन चलने के बाद भ्रष्ट हो जाती है, जिसकी जानकारी हम लोगों के द्वारा नगर निगम अधिकारी कर्मचारियों को दी जाती है, तो वो लोग हमारी समस्या को सुलझाने के बजाय टाल मटोल करते रहते हैं और हमारी कोई समस्या का कोई समाधान नहीं किया जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि नगर निगम नूतन राठौर के द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है तो किसके द्वारा होगा। मोहल्ले वाले लोगों का पानी बिजली की समस्या का समाधान अगर समाधान नहीं होता है तो हम सभी करेंगे भूख हड़ताल। क्या दिक्कत है जो आप यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं? बाल्टी है, 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। सड़ी हुई पाइपलाइन डली हुई है, ये 8-10 दिन पाइपलाइन चलती है कुल मिलाकर टोटल, उसके बाद में ये पाइपलाइन फूट जाती है, यही पानी की प्रॉब्लम सबसे कर रही है। और गलियों में पानी भर जाता है, बच्चे निकलने के लिए परेशान, बुजुर्ग भी नहीं निकल पाते। अब जवान आदमी हो तो वो निकल जाए, बच्चे कहाँ से निकल जाए बताओ, स्कूल जाने के लिए बैठते हैं। योगी सरकार का कहना है कि फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और वहीं देखा जाए तो शिलान्यास भी किया जाता अभी। ये स्मार्ट सिटी कहाँ से बन रही है बताइए आप मुझे, जो घोटू घोटू खींचे आप वहाँ जाके वीडियो बना के देखिए आप, चलिए आप देखें आप आगे, हमारे आगे जो मेजर साहब हैं और ये साहब जो नूतन राठौर जी हैं, ये हमारी गलियाँ देखिए आप, देख के गई हैं कि कैसी पास गलियाँ गई हुई हैं हमारे यहाँ की, ये बताइए। मतलब अभी तक आपकी गलियों में कोई कार्य नहीं हुआ? कोई कार्य नहीं है, आप स्वयं चल के देख सकते हैं। आप रोज नालियों के पीछे झगड़ा होता है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।